जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैंने इसके 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, कपास का प्रमुख घटक है। कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? ऑप्शन सी जो है आपका सेलुलोस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन मिश्रित जीव होते हैं, ये किससे बने होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बने होते हैं कवक एवं शैवाल से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन जो है फल से प्राप्त होती है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफीम पोस्त पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अधपके फल, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान में अनुवांशिक विज्ञान का जनक की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए ग्रेगर जॉन मेडल। अगला क्वेश्चन, मेडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गार्डन पी मटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का इनमें संबंध है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका जीन्स का चित्रण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? ये ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? DNA कहते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बारबरा मैक्लिंटॉक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि DNA में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनता है? टायरोसिन। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? एजोला। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? एजोला। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? धान। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, धान को। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? नील हरित शैवाल, ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी नील हरित शैवाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया है ये। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है? ऑप्शन वी राइजोबियम जैपोनिकम। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? माइक्रोकांडिया। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। बी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ी
की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 23। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? किस प्रकार भिन्न होती है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका कोशिका भित्ति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोस की कोशिका भित्ति, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकांड्रिया, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? अंडाशय, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली ये किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली ये बनी होती है दोनों ए बिंदु, प्रोटीन से लिपिड, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका तिल्ली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपोप्टोसिस, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? क्रेब्स चक्र, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल से बना है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? लगभग लगभग होता है 65%, यानी कि 65% वयस्क मानव में होती है, वयस्क मानव में होती हैं 206 अस्थियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात यहां पे हो रही है? स्टेपीज, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी ये क्या है? ये होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, केशुरुक रज्जू में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? बी वाला जो ऑप्शन है आपका 3.0 लीटर। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोगा जूने कहते हैं स्नायु, लिगामेंट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, तो दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, डी वाला जो ऑप्शन है आपका भोजन के कण, थूक, मुख, अंगल और बैक्टीरिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्यों? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। अगला हमारा क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। मनुष्य के जीवन काल में कितने कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं?
ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 20 बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? निम्नलिखित में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंत बल्क, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? कशेरुक रज्जू, स्पाइनल कोल्ड में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका डिंब वाहिनी नली, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं? डी वाला जो ऑप्शन है आपका 1 से 2 दिनों के लिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? ऑप्शन सी जो है आपका अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उल्ब एमनियोन। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाइट्रोजन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। सी वाला जो ऑप्शन है आपका 72, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन, तो हो चुका है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। ऑप्शन सी जो है आपका मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका केंचुआ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं RBC का रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का औसत रक्तचाप की बात हो रही है यहाँ पे, 120/80। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका स्फिगमोमैनोमीटर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यता उसका रक्तदाब क्या होगा? तो सामान्यतः उसका जो रक्तदाब होता है वो बढ़ जाता है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डॉट 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 हो? डी वाला जो ऑप्शन है आपका कोई भी वर्ग, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है, अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बंदर से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में रक्त का जो वर्ग होगा ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से
ए का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव, तो गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओ पॉजिटिव, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका ओ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7.35 -7.45 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, डी वाला जो ऑप्शन है आपका प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है। एंटीजेंस की मूल विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका WBWVC बनर्जी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका लिम्फोसाइट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षा अस्क्यामकता का सर्वाधिक संबंध किससे होता है। इसका संबंध होता है लिम्फोसाइट से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है। 0.007 मिमी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। सो गाइस, इसको कहते हैं ल्यूकेमिया। बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा से, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। बी वाला जो ऑप्शन आपका है प्लीहा में, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, ये व्यक्त किया जाता है बी वाला जो ऑप्शन है आपका मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय कब आराम करता है, हृदय कब आराम करता है। ऑप्शन सी, दो धड़कनों के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका टांगों में दर्द, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं हृदय धमनियां। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका थ्रोम्बिन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संभव है, रक्त जमाव, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत की बात हो रही है 90%, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, तो श्वास की जो गति होती है ये बढ़ जाती है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस किससे संबंधित है गाइस, डायलिसिस ये संबंधित है वक्र से, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जा सकता है। गुर्दा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त तो होता है वह है, बी वाला जो ऑप्शन है आपका वक्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब वक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है। रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो डॉट 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 करने में मदद करता है। बी वाला जो ऑप्शन है आपका रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव वक्र अश्मरी किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है,
मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है, किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। तो दोस्तों ये थे आपके रेलवे एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाले सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।